हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी फ्रंट स्लिट कुर्ती। अगर आपके पास कोई भी बचाव मटेरियल है तो आप उससे हेल्प से इस तरह की कुर्ती क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडी एंड क्लासी लगेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने कलर ब्लॉक पैटर्न में इसे क्रिएट करने की कोशिश की है। सो इस तरीके से आपको दो पट्टी लेना होगा, लाइक फैब्रिक लेना होगा, इन्हें एक साथ जोड़ लेना होगा। फैब्रिक का जो मेजरमेंट है वो आपके बॉडी के हिसाब से होना चाहिए। तो यहाँ पर मैंने चौड़ाई 10-10 इंच की ली है। तो दो ऐसे ही आपको क्रिएट करना होगा, एक फ्रंट के लिए एक बैक के लिए। तो इन्हें एक के ऊपर एक रख लेंगे। जैसे कि मैंने 10-10 इंच की ईच ली है तो टोटल हो जाएगा 40 इंचेस। तो एक बार इन दोनों को एक के ऊपर एक रख लेंगे, देन एक बार ही फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले पिंक होना चाहिए, फिर ऑफ वाइट, फिर अगेन पिंक एंड देन ऑफ वाइट। इस तरीके से आपको रखना होगा। अब अपनी कोई भी कुर्ती इसके ऊपर रख ले, आस्तीन को फोल्ड कर ले एंड एक इंच का गैप देते हुए आपने ऑल ओवर मार्किंग कर लेना होगा, साइड्स भी मार्क कर लेना होगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं मेरा कैमरा सही से कैप्चर नहीं कर, बट आपको इस तरीके से मार्किंग कर लेनी होगी। ऑल ओवर मार्किंग कर लेने के बाद यहाँ पर नेक की लंबाई में रख रही हूँ 4 इंच, चौड़ाई जहाँ पर कंधा और एंड हो रहा है वहाँ पर रख लूँगी एंड देन इसे कट कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारी मार्किंग कट कर ली है। कट करने के बाद जब हम आपको खोलेंगे तो ऐसे ही दो फैब्रिक नज़र आएंगे, एक फ्रंट के लिए एंड एक बैक के लिए। और हमने फोल्ड करते समय ध्यान दिया था कि एक साइड ऑफ वाइट हो, एक साइड पिंक हो, इसलिए यहाँ पर प्रॉपर कटिंग हो चुकी है। अब कंधों को जोड़ लेंगे, सारे रॉय जिस को हेम कर लेंगे एंड साइड्स भी सी लेंगे। इस तरीके से हमें हमारा ऊपर का ब्लाउज तैयार कर लेना होगा। यहाँ पर ऊपर का ब्लाउज तो तैयार हो चुका है, अब बस हमें नीचे का घेरा प्रिपेयर करना होगा। घेरा प्रिपेयर करने के लिए मैंने एक फैब्रिक लिया है जिसकी चौड़ाई मैंने अपनी कमर से 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए इसे जोड़ लिया है, एक ऑफ वाइट और एक रेड कलर का फैब्रिक। जोड़ लेने के बाद हमें हमारे ऊपर के फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड कर लेना होगा एंड जितना भी मेजरमेंट आ रहा है उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे एंड यहाँ से नीचे तक स्लैंट लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि एक ए लाइन पैटर्न क्रिएट हो जाए एंड घेरा हमारा अच्छा है। तो इसे मैंने कट कर लिया है। अब जो आगे का हिस्सा फैब्रिक का है उसे हमें जोड़ेंगे नहीं, आगे की जो घेरा वाला फैब्रिक है उसे ऐसे ही रखेंगे एंड देन इसे इसके ऊपर रख लेंगे। यहाँ पर जैसे कि वीडियो में बताया गया है वैसे ही आपको रख लेना होगा, इसे इसके ऊपर रखेंगे एंड जिस तरीके से पहले की मार्किंग किए थे इसे भी मार्क करके कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे कट कर लिया है। कट करने के बाद जब आप खोलोगे तो बैक का फैब्रिक अटैच्ड रहेगा बट आगे का फैब्रिक सिला हुआ नहीं है क्योंकि हमने इसे नहीं सिला था। अब एक साइड आपको रेड रखना होगा एंड एक साइड ऑफ वाइट रखना होगा। जहाँ पर रेड है उसके बाजू में ऑफ वाइट रख लेना होगा एंड जहाँ पर ऑफ वाइट है उसके बाजू में रेड रख लेना होगा एंड इन दोनों को भी जोड़ लेना होगा। जोड़ लेने के बाद ऐसे ही 4 कली काइंड ऑफ पैटर्न नज़र आएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल मेथड है। यहाँ पर मैं रेड फैब्रिक रख लूँगी एंड रेड फैब्रिक रख लेने के बाद हमारा ये कलर कुछ इस तरीके से नज़र आएगा। घेरा भी काफ़ी अच्छा मिल गया है क्योंकि हमने ए लाइन पैटर्न में इसे क्रिएट किया है, ना कि स्ट्रेट पैटर्न में। अब इन्हें जोड़ लेंगे। जो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इन्हें जोड़ लिया है। जोड़ लेने के बाद बस इसे हमें हमारे बॉडी के साथ अटैच कर लेना होगा। तो पहले बैक साइड की पूरी बॉडी के साथ अटैच करना होगा एंड फ्रंट साइड पे इस तरीके से जब लाएंगे तो फ्रंट स्लिट नज़र आएगा। तो पहले पीछे के एरिया की सिलाई कर देंगे विद इन आगे की एंड सिलाई कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कुर्ती तैयार हो चुकी है। कितना आसान तरीके से ये तैयार हो चुकी है एंड प्लस कितनी ज़्यादा डिज़ाइनर काइंड ऑफ लग रही है। अगर आपने इसे और ज़्यादा डेकोरेट करना है तो आप लेस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फ्रंट ओपनिंग पे ऊपर तक आप लेस लगा सकते हैं। जिस पिक से इंस्पायर्ड होकर इसे मैंने क्रिएट किया है उस पर भी इस तरह की लेस लगी थी, बट मैं लेस अवॉइड करूँगी एंड इस तरह की कुर्ती को डेनिम के साथ कैरी करेंगे, रिप्ड डेनिम के साथ। ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगेगी। इस तरह की कुर्ती आप कॉलेज में बहुत ही इजीली कैरी कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है एंड आप डिफरेंट कलर कॉम्बिनेशंस में इसे क्रिएट कर सकते हैं। प्लस इसे बनाने के लिए आपको ज़्यादा फैब्रिक वेस्ट नहीं करना होगा, बचे हुए घर के फैब्रिक से या 2 दुपट्टों से भी इसे बना सकते हैं। बहुत ही सिंपल है गाइज। अगर आपको मेरा आज का ट्यूटोरियल पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। बाय बाय टिल द नेक्स्ट टाइम।